नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे टेक्निकल एस चैनल में। आज मैं आया हूँ नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एस कंपनी हेडरा के बारे में, जिसको फराना के नाम से जाना जाता है, और इसी के बारे में मैं आज फुल जानकारी देने वाला हूँ। अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, इसकी बात करें तो ये होती है बूम। दोस्तों ये जो लंबाई में इसकी लेंथ होती है वो 18 मीटर यानी कि 64 फीट लंबी निकल सकती है, और वेट की बात करें कितना वेट उठा सकती है ये मशीन, 14 टन तक ये वेट उठा सकती है और अपने बहुत ही आसानी से ये काम कर सकती है। तो दोस्तों इसके फ्यूचर की बात करें अंदर, तो देखिए इसमें बहुत ही अच्छे नई तरह के फ्यूचर मिलते हैं हमें, जैसे कि मैंने आपको बूम में बताया था अभी कि देखिए इसमें इधर आप देख रहे हैं 18 मीटर और इधर 64 मीटर तक ये लंबी बूम निकल सकती है, और वेट भी इसमें 14 टन तक वेट उठा सकती है। तो देखिए दोस्तों, इसके अगर क्लिच ब्रेक के गियर की बात करें तो सेम ही गाड़ी की तरह होता है, वही क्लिच ब्रेक एक्सीलेटर सब। और दोस्तों इसके स्टेयरिंग की बात करें तो इसमें मिलता है एक पावर स्टेयरिंग, और दोस्तों इसके लीवर की बात करें, जो स्मॉल लीवर हैं ये, तो ये दोस्तों आगे दो जैक दिए होते हैं लेफ्ट और राइट में, ये जैक दिए होते हैं, ये जैक नीचे हो जाते हैं और गाड़ी उठ जाती है। और दोस्तों इन लीवर की बात करें हम, तो इनका भी एक अपना अलग कार्य है। देखिए दोस्तों ये जो लीवर है, पहला ये बूम को बाहर करता है, अगर हम इसको अंदर की तरफ खींचें तो बूम अंदर हो जाती है, और आप दूसरा यानी कि बीच का लीवर देख रहे हैं ये बूम को, तो हमारी जो बूम है वो नीचे की तरफ हो जाएगी, और हम इस लीवर को अंदर की तरफ कर दें तो हमारी बूम। और दोस्तों तीसरे लीवर की बात करूँ मैं, जो तीसरा लीवर देख रहे हैं आप, ये विंच का होता है, जो कुंदा लटक रहा है ये नीचे आ जाता है। और दोस्तों इसके अंदर फ्यूचर की बात करूं मैं, तो पीछे की तरफ बैक करते हुए कैमरा दिया हुआ है, जिसमें हम इसे एलईडी इसमें देख सकते हैं। और फ्यूचर की बात करूं तो ये एक पंखा दिया हुआ है ताकि ड्राइवर आसानी से ड्राइविंग अपना कार्य कर सके। और दोस्तों इसमें जो आप देख रहे हैं ये बटन, ये इंडिकेटर का होता है, और ये पंखा ऑन ऑफ का होता है, ये वाइपर का होता है, ये हेडलाइट होता है, ये जो होता है ये बूम के ऊपर एक लाइट लगी होती है उसको जलाने के लिए होता है, ये पार्किंग का होता है। और दोस्तों इनकी बात करूँ मैं, तो अगर मैं इसकी बात करूँ दोस्तों इस बटन की, तो इसमें जो बटन है अगर हम इसको टू की तरफ कर देंगे तो इसके दो ही टायर घूमेंगे, और फोर वाई की तरफ कर देंगे तो यानी कि चारों टायर काम करने लगेंगे। अगर इसकी बात करूं तो दोस्तों ये होता है हाई लो गियर के, और इधर की तरफ अगर हम आएंगे, जो पीछे की तरफ दो लाइटें दी होती है उसके लिए काम आता है। और दोस्तों ये होता है हॉर्न, इसे हम हॉर्न बजाते हैं। ये बटन जो होता है, ये बटन होता है वेल्व, ऊपर जो लाइट होती है जैसे कि एम्बुलेंस में लगी होती है, एक उसी की कॉपी लाइट लगी हुई है, ये उसके काम में आता है। ये भी दोस्तों एक बटन हमें पार्किंग के लिए मिल जाता है, और ये होता है हमारा स्टार्ट करने के लिए, यहाँ चाबी ऑन करने के बाद में यहाँ स्टार्ट कर देंगे बटन दबा के। दोस्तों ये जो आप बटन देख रहे हैं स्टॉप का, इससे पुश करने के लिए पुश कर देंगे और हेडर बंद हो जाएगा। और दोस्तों ये लाइटों की बात करें तो इसमें पार्किंग के लिए इंडिकेटर की ये सभी इसमें लाइटें दी हुई हैं, और इधर बैटरी प्लस माइनस कितनी चार्ज है कितनी नहीं है ये सब इसमें दिया हुआ है, मीटर है। और दोस्तों इधर बात करें तो ये हाइड्रोलिक टैंक होता है, जिसमें कि मोबिल होता है, जिससे कि ये मोबिल इसलिए होता है कि इससे जो है प्रेशर काम करता है। अगर दोस्तों इधर की बात करें तो इधर दिया होता है लेफ्ट हैंड में डीजल टैंक। तो दोस्तों देखो, मैंने आज आपको सारी इस वीडियो में बताया है हेडरा की फुल जानकारी। तो दोस्तों अब मैंने इसमें सभी लीवर वगैरह कैसे क्या काम करते हैं, क्या बटन होता है, सब मैंने इस वीडियो में बता दिया है। आप इससे भी आसान ड्राइविंग कर सकते हैं, अगर जब तक हमें पूरी गाड़ी के बारे में ना पता हो तो हम ड्राइविंग नहीं कर पाते। देखो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।